Yes, good morning, seventh class. This is Meeru, your mathematics teacher in Shastnamji Girls School. तो आज जो हम चैप्टर करवाने जा रहे हैं आपके पास है 2.2, एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड सम. ओके, द सम इज योर 3 × 3/4 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4. यू हैव टू फाइंड आउट अ मिसिंग नंबर. आपको एक मिसिंग नंबर निकालना है आपके सम्स में. ठीक है, आपके पास एक मिक्स टर्म दी हुई है और यहाँ पे आपको इक्वल टू के बाहर आपके पास क्या है, आपके पास 4 गिवन है. ओके, और आपको निकालना है कि किससे हम इस नंबर को ऐड करें कि आंसर आपके पास 4 आ जाए. सबसे पहले जो मिक्स टर्म है हम उसको कन्वर्ट करेंगे. हाउ वी आर कन्वर्टिंग मिक्स टर्म को, हम क्या करते हैं 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं. ऊपर का रिमाइंडर होता है उसको प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4. तो कितना जाएगा 15/4 प्लस इज इक्वल टू 4. कि आपके पास क्या, इतनी आपके पास सिचुएशन आ गई है कि अब आपने 15 प्लस 4 में कुछ ऐड करें जिससे आपके पास आंसर क्या आ जाए, 4 आ जाए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 15/4 में से हम 4 को माइनस कर देंगे. ठीक है, ओके, 4 था तो मैंने उसको क्या किया, 4/1 कर लिया. हम 4/1 करेंगे तो इसका आंसर मिलेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग है. जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो उसको क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे. आप इसका एलसीएम लेंगे तो जाएगा 15 - 16, मतलब जाएगा -1/4. ओके, हमने क्या किया बेटा, दोबारा देखो आपके पास एक मिक्स टर्म थी 3 × 3/4. आपको एक टर्म निकालनी है इज इक्वल टू 4 था. पहले मैंने मिक्स टर्म को चेंज किया. मिक्स टर्म को हम कैसे चेंज करते हैं कि जो आपके पास क्या होता है, जब आपके पास होल नंबर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है दोनों को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर से प्लस करते हैं. तो मैंने क्या किया, 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 3 को प्लस किया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आता है. तो कितना आ जाएगा 3 × 4 = 12 + 3 = 15/4 और यहाँ पे क्या था 4. तो अब आपको दो नंबर निकालने थे कि हम किससे इसको ऐड करें ताकि आंसर ये आए. इसलिए हमने क्या किया, हमने 15/4 में से हमने 4 को ही डायरेक्ट माइनस कर दिया. तो 4 को माइनस करेंगे क्योंकि ये था 15/4, 4 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं था, तो मैंने इसलिए 4/1 अपने आप लगा दिया. ठीक है, तो 1 और 4 का मैं क्या लूंगी, एलसीएम लूंगी. वैसे माइनस नहीं कर पाएंगे, एलसीएम लेने माइनस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर सेम हो सके. एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर मेरे पास कितना आ गया 15/4 - 16/4. तो 15 और 16 में से 16 ग्रेटर है, प्लस माइनस माइनस सिंबल किसका आता है, जो बड़ा होता है. तो उनसे कितना आ जाएगा आपके पास -1/4. सेम वे आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी आपके पास सम है थर्ड सम का, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सेकंड और थर्ड भी आपने एज इट इज करना है. एक बार आपको सेकंड पार्ट बता देती हूँ. सेकंड पार्ट में क्या आपके पास सेम 12 - 2 × 3/4 = 4 क्वेश्चन मार्क. आपने इसकी वैल्यू निकाली. ठीक है, पहले हम इसी को सॉर्ट आउट करते हैं. 4 × 8 = 11/4. ये क्या है 12 के नीचे कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको हम लोग 1 ले लेंगे. सेम इसका एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई किया प्लस 3 किया, 4 × 8 + 3 = 11/4 आ गया आपके पास. ठीक है, तो जब आपके पास 11/4 आ गया, 12/1 था 11/4, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो मैंने एलसीएम लिया. इलेवन बाय सेवनटीन.
ओके. सेकंड था 3/6 ऑफ 12 मीटर, यानी कि 3/6 किसका निकालना है आपने, मल्टीप्लाई करते हैं 12 का. ठीक है, अब देखो अगर हम इसे 12 × 1 कर लेते हैं, अगर देखें 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, आंसर कितना आ गया 3/2 6 मीटर. ओके, नेक्स्ट है 1/10 of 13/36. 1/10 का मतलब क्या है, आपको 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 13 × 36 को. ठीक है, देन है 1/4 of ₹1. 1/4 of ₹1 का मतलब क्या है, या तो रुपीज को पैसे में चेंज कर लो या 1 × 1/4 कर लो. 1/4, क्वार्टर का मतलब क्या होता है 3. ठीक है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/3. 1/3 निकालना है 1000 का, कितना जाएगा आपके पास 1000/3. ओके, 3/4 of 25/27. 3/4 का मतलब क्या है आपके पास, 3 लिखो डिवाइडेड बाय 4 लिखो, और किसका निकालना है आपको 5/27. तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 × 3, 3 × 27, अब मल्टीप्लाई कर दो 5/36 मिल गया आंसर. नेक्स्ट है आपके पास 9/10 of 100/19. 9/10 का मतलब क्या है, 9 को ऊपर लिखो 10 को नीचे लिखो. 9 ऊपर 9/10 of 100/99. तो आपके पास 0 से 0 क्रॉस हो गई, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9,
to sort it out the question number 4. Okay.